जैसा कि हम लोगों ने लास्ट टॉपिक कैलेंडर डिस्कस किया था, इस बार हम लोग नया टॉपिक लेके आ रहे हैं क्लॉक। तो क्लॉक मीन्स हमारी घड़ी, जैसे कि किस हिसाब से हमारी घड़ी वर्क करती है। तो क्लॉक में जो क्वेश्चंस आते हैं एमसीए एंट्रेंस में या फिर हम अदर्स कंपटीशन की बात करते हैं, तो ये थ्री टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं क्लॉक में। एक आपको एंगल निकालना होगा जब आपका टाइम गिवन होगा, तो एक तो आपका होता है कि एंगल निकालना होगा, दूसरा आपका जो आता है उसमें आपको टाइम निकालना होता है और एंगल गिवन होता है। ओके, देन आपके बाद में तीसरा जो टाइप का होता है उसमें गेन और लॉस निकालना होता है, यानी जो फॉल्टी क्लॉक होती है वो निकालनी होती है, फॉल्टी क्लॉक। ओके, तो ये थ्री टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं। तो हम लोग आज जो है एंगल और टाइम वाले डिस्कस करेंगे। ओके, देखिए जैसे कि मैंने अगर क्वेश्चन आएगा, जैसे कि मान लीजिए क्वेश्चन आया हुआ है, व्हाट विल बी एंगल बिटवीन द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक एट 8:30, मतलब 8:30 पर इन दोनों घड़ियों का क्या एंगल होगा। तो पहले इससे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि हम लोग कौन कौन सी घड़ी होती है। देखिए अब इसमें आप ये देख लीजिए, जैसे मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ, लाइक मान लीजिए ये, ठीक है। देखिए अब आप इसमें देखिए, ये जो है मेरा आवर एंड होगा और ये जो है वो मेरा क्या है, मिनट हैंड है। तो जो एंगल वर्क करता है वो देखिए किस प्रकार से वर्क करता है। देखिए अगर आपको इतना बात तो कंफर्म है कि अगर ये जो मेरा पूरा है ये कितने के डिग्री का है, 360 डिग्री का होता है, ठीक है। और देखिए इसको अगर हाफ कर दें तो ये मेरा 180 डिग्री हो जाता है और ये मेरा कितना हो जाता है, 180 डिग्री हो जाता है, ठीक है। अगर यही चीज़ मैं अगर मैं यहाँ पर कर दूँ इसको और आग में, तो अब देखिए ये जो मेरा एंगल है वो कितने का है, 90 डिग्री का है, और ये मेरा एंगल कितने का है, अगेन 90 डिग्री का है, ठीक है। अब ऐसे ही आप करते चले जाएंगे तो आपके जो भी एंगल है वो 90 90 डिग्री के चार भागों में बट जाएंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं एंगल पे कैसे एंगल निकालते हैं। तो पहले हम आवर एंड और मिनट एंड निकालना सीखते हैं। देखिए आपको अगर एक चीज़ ये बिल्कुल कंफर्म है कि 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट होते हैं। अच्छा एक चीज़ और आपको कंफर्म है बिल्कुल कि हमारा आवर एंड जो है वो मिनट एंड पे वर्क करता है। अगर मिनट एंड जितना चलेगा उतना ही आवर एंड चलेगा, अगर मिनट एंड मेरा वर्क नहीं करेगा तो आवर एंड भी वर्क नहीं करेगा, ठीक है। तो देखिए 1 आवर इक्वल टू कितना है, 60 मिनट, और देखिए इसका जो 1 मिनट बराबर होता है वो कितने का होता है, मिनट एंड का इक्वल टू होता है 60 सेकेंड्स के, या एक ये भी कह सकते हैं कि हम लोग 60 मिनट बराबर 1 आवर के। ओके, तो ये कि ये मेरा आवर एंड हो गया। आप देखिए ऊपर लिखना चाहे लिख सकते हैं यहाँ पर, ये मेरा आवर एंड है और ये मेरा मिनट एंड। ओके, अब देखिए 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट है। अब आप देखिए, अब हम लोगों ने बोला कि अब देखिए 360 डिग्री, तो 360 डिग्री कब होगा, जब मेरी आवर एंड कितना घूमना चाहिए, 12 आवर्स पूरा करेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। तो जैसे ही देखिए 12 आवर्स होंगे वैसे ही ये जो आवर एंड है वो मेरा कितना कवर कर देगा, 360 डिग्री कवर करेगा कि नहीं कवर करेगा। जब ये ना ये 360 डिग्री करेगा तो 1 आवर में कितना करेगा, तो 1 आवर इक्वल टू 360 अपॉन 12, यानी 1 आवर इक्वल टू 30 डिग्री, मतलब 1 आवर चलने पर, यानी आप ये भी कह सकते हो कि 60 मिनट घड़ी चलने पर वो कितना कवर करती है, 30 डिग्री कवर करती है। ओके, अच्छा अब एक बात आप, मैंने अभी पहले भी डिस्कस किया कि मिनट एंड चलने पर ही क्या चलता है, आवर एंड चलता है। तो अब आप एक बात बताइए, 1 आवर इक्वल टू हमने क्या बताया आपको, 60 मिनट, यानी ये 60 मिनट चलने पर ये कितना चला है, 30 डिग्री चला है। तो अब देखिए अगर इसके 1 मिनट चलने पर ये कितना आवर एंड चलेगा, तो 30 अपॉन क्या हो जाएगा, 60, मींस कितना हो गया, हाफ डिग्री के। मतलब मेरी घड़ी अगर 1 मिनट चलेगी तो मेरा आवर एंड कितना चलेगा, हाफ डिग्री, ठीक है। अच्छा यही चीज़ हम लोग यहाँ पर कवर करते हैं। देखिए यहाँ पर 60 मिनट इक्वल टू कितना है, 1 आवर। अब देखिए इसका अगर मैंने बोला कि 60 मिनट बराबर ये 60 मिनट कितने पे चलेगा, 360 डिग्री हो गया कि नहीं भाई, ये 60 मिनट चलेगा तो ये कितने का होगा, 360 के। तो 1 मिनट बराबर कितने का होगा, ये 360 अपॉन
60, यानी 1 मिनट इक्वल टू कितने डिग्री के हैं, 6 डिग्री के। आप देखिए बिल्कुल कवर है, बिल्कुल एक तरह से क्लियर हो गया हमारा कि 1 आवर इक्वल टू कितने के चलता है, 30 डिग्री के, और ये 1 मिनट चलता है कितने के, 6 डिग्री के। और मिनट एंड के चलने पर, ये 1 मिनट चलने पर ये हमारा आवर कितना चलता है, 1/2 डिग्री चलता है। ओके, चलिए ये चीज़ हमें सबसे पहले क्लियर होनी जरूरी है, ठीक है, कि यहाँ पर हमारा 1 आवर चलने पर कितना चलता है, 30 डिग्री चलता है, और 1 मिनट चलने पर 6 डिग्री चलता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग कवर करते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन पे, कि अब जो क्वेश्चन कहना चाह रहा था वो देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन बोला कि व्हाट विल बी एंगल बिटवीन द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक एट 8:30। अब देखिए 8:30 है यानी 8 आवर्स हैं। अब 8 आवर्स हैं तो हमें पता है ये चीज़ की क्या है, कि 1 आवर इक्वल टू, इसको मैथमेटिकल वे से थोड़ा सा देखते हैं कि देखिए 1 आवर इक्वल टू कितने डिग्री के हैं, 30 डिग्री के, ठीक है। तो अब 1 आवर इक्वल टू 30 डिग्री है, और मान के ये चलिए अब ये कितना माना गया है, 8 आवर्स, तो 8 आवर्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, 30 × 8, तो ये कितना हो गया, 240 डिग्री। ओके, ये कितना हो गया, 8 आवर्स में 240 डिग्री। लेकिन अभी देखिए ये मेरा आवर एंड ही चल रहा है। अब देखिए आवर एंड में मैंने कहा कि 30 मिनट भी तो है शामिल, तो अब ये 30 मिनट्स में क्या होगा कि अपनी 30 मिनट्स में कितना गेन करेगा, तो मुझे पता था इसमें कि 1 मिनट बराबर कितना गेन करता है, ये 1/2 डिग्री गेन करता है। कितना गेन करता है, 1/2 डिग्री। तो ये 30 मिनट्स में और कितना गेन करेगा, तो 30 मिनट्स बराबर निकाल दो, 30/2 इक्वल टू कितना, इसने 15 डिग्री और गेन किया इसके 30 मिनट चलने पर। तो ये दोनों हमारे जो भी हैं 8 आवर्स 30 मिनट्स, यानी 8 आवर्स 30 मिनट पर ये जो आवर हैंड है वो कितना गेन करेगा, 240 प्लस 15 डिग्री मीन्स 255 डिग्री। ये हो गई आवर एंड की बात। अब देखिए मिनट एंड कितना गेवर कर रहा है, तो मिनट एंड की निकाल लेते हैं कि 1 मिनट बराबर कितना गेन करता है, 6 डिग्री के, ठीक है। तो अब कितने की निकालना है, 30 मिनट्स पे निकालना है, तो 30 मिनट्स बराबर हो गया 6 × 30, तो ये कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, ठीक है। तो इनके बीच का जो भी डिफरेंस आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, एंगल हो जाएगा। देखिए एक बात और भी मैं आपको बताता हूँ कि एंगल दो होते, किसी भी क्लॉक में अगर आप निकालेंगे तो हमेशा दो एंगल होते हैं, ठीक है। देखिए अगर मैं इस क्लॉक की बात करूँ तो इसमें दो एंगल बन रहे हैं, देखिए एक ये एंगल होगा और एक कौन सा एंगल होगा, ये एंगल होगा, ठीक है। अब देखिए अभी मैं आपको इसमें देखिए आपको मैं क्लियर कर देता हूँ, जैसे कि अभी आप मैंने बोला 8:30, देखिए मैं इस वाले क्लॉक को बना देता हूँ, ये 8 और 30, तो देखिए एक तो ये एंगल निकाल लीजिए और एक कौन सा एंगल निकलेगा, ये एंगल निकलेगा, दो एंगल निकलते हैं हमेशा, ठीक है। तो हम पहले ये वाला एंगल निकालते हैं क्योंकि हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो पहले इस वाले एंगल को पहले निकालते हैं, देन ये उल्टे वाले एंगल को, ठीक है, क्योंकि हमें ये पता है कि ये पूरा एंगल कितना है, 360 डिग्री है, तो कोई एक एंगल निकाल लीजिए, 360 से माइनस कर दीजिए। तो अब देखिए आवर एंड और मिनट एंड का जो भी डिफरेंस आ जाए वो हमारा क्या होगा, इसका एंगल हो जाएगा, ठीक है। अब आप अगर इसका एंगल, जैसे अगर आप बोलना चाहें कि ये जो आवर एंड होता है और इसमें देखिए मिनट, देखिए मैंने ये साइन क्यों बनाया है, ये साइन इसलिए बनाया है क्योंकि आवर एंड में क्या गया है, ये आवर एंड और मिनट एंड आपस में क्या हो सकते हैं, प्लस माइनस हो सकते हैं, इसलिए इसको ये साइन दिया है, ठीक है। अब देखिए आवर एंड में आप अगर जाते हैं तो अब देखिए 255 डिग्री है, माइनस मिनट कितना है, 180 डिग्री है, तो 255 में से 180 को माइनस कर दीजिए तो आपका ये कितना हो जाएगा, 55 और 20 यानी 75 डिग्री, यही निकल के आएगा आपका। तो ये जो मेरा एंगल निकल के आया, ये मेरा कितना निकल के आया, 75 डिग्री। अब मुझे ये पता चल गया कि ये मेरा 75 डिग्री है, तो ऊपर वाला निकालने में कोई दिक्कत नहीं है, हम 360 से इसको क्या कर दें, माइनस कर दें, तो 360 में से 75 को अगर माइनस करेंगे तो मेरा कितना हो जाएगा, 285, ये मेरा 285 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग ये एंगल निकाल सकते हैं हम लोग मैथमेटिकल वे से, ठीक है। अच्छा, इसमें एक तरह से और भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि देखिए मिनट एंड मेरा कितना कवर करता है, जैसे एक अगर मैं आपको एक ये इसमें से क्वेश्चन हटा के मैं एक अलग से क्वेश्चन लिख रहा हूँ ताकि आपको एक ये कवर हो जाएगी कैसे मिनट एंड कवर करता है,
ठीक है, क्योंकि मिनट एंड के चलने पर ही आवर एंड कवर करता है। ठीक है, चलिए बोला गया है मिनट एंड डिस्टेंस कवर्ड बिटवीन 10 AM टू 12:30 PM। अब देखिए मिनट एंड ही कवर करेगा, मैंने कहा क्या मिनट एंड कितना कवर करेगा, मिनट एंड ही कवर करता है। ठीक है, अब देखिए मिनट एंड कवर करने के लिए, अब आप देखिए मैंने बोला मिनट एंड कवर करना है, अब देखिए अब आप 10 AM टू 12:30 PM है, तो 10 AM टू 12:30 PM तक में अब आप ये देखिए कितने हो गए, तो अब देखिए कितना कवर्ड हो रहा है, पहले तो डिस्टेंस देखिए 10 AM टू 12:30 में कितना होगा 2:30, ठीक है ना, 2 hours 30 minutes इतना डिस्टेंस कवर कर रहा है। ठीक है, अच्छा मिनट में बोला गया है तो हम इसको पूरा किस में कवर कर लें, मिनट में कवर कर लें, तो मुझे पता है कि 1 hour = कितना होता है 60 minutes होता है, तो 2 hours में कितना हो जाएगा 120 minutes हो जाएगा, और पूरा कितना बोला गया है 30 minutes और है, तो 2:30 minutes में कितने हो जाएंगे 150 minutes हो जाएंगे। अब देखिए वही बिल्कुल आ गया, अब हम लोगों ने यहाँ पे 150 मिनट निकाल ली, अब 150 मिनट पर ही तो कवर करना है, और मुझे पता है कि 1 मिनट कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 1 मिनट इक्वल टू कितना डिग्री चलता है 6 डिग्री का चलता है, तो 150 मिनट में कितना डिग्री कवर करेगा 6 × 150, तो 6 × 5 = 30, 6 × 1 = 6, 90, तो कितना हो गया 900 डिग्री। ठीक है, तो वो 150 मिनट में कितना डिग्री कवर करेगा 900 डिग्री। ठीक है, देखिए बहुत सिंपल है कि मिनट एंड डिस्टेंस कवर्ड बिटवीन 10 AM टू 12:30 PM। ठीक है, या फिर यहाँ पे मिनट एंड डिस्टेंस कवर्ड लिखा हुआ है, या फिर एंगल डिस्टेंस निकाल ले सकते हैं हम लोग कि व्हाट मिनट एंड एंगल डिस्टेंस कवर्ड बिटवीन 10 AM टू 12:30 PM, तो हमें वही निकालना है कि कितना एंगल वो कवर करेगा, तो वो कितना एंगल कवर करेगा 900 डिग्री। चलिए अच्छा, हम लोग एक जैसे कि हम लोगों ने बोला अभी कि मैथमेटिकल वे से हम लोगों ने निकाल लिया कि आवर हैंड पे और मिनट हैंड पे। ठीक है, अच्छा अब हम लोगों ने कहा कि अगर थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, ऐसा क्या अगर हम लोग सॉल्व ना करने पड़े, क्योंकि हम लोगों क्या होता है टाइम कम होता है, हम लोग जब एग्ज़ाम में बैठे होते हैं तो हमें लगता है कि कितनी जल्दी हम इसको ट्रिक से सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो देखिए व्हाट विल बी एंगल, अब देखिए मैंने इसके लिए आपके लिए दूसरा क्वेश्चन लिख रखा है, सेम क्वेश्चन है कि व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक एट 4:40, 4:40 पे एंगल निकालना है। अब देखिए मैं आपके लिए यहाँ पे एक फिर से बना देता हूँ 4:40 का एंगल, अब देखिए मान लीजिए कुछ इस प्रकार से एंगल बनेगा 4:40 का, मैंने कहा एक तो ये एंगल बनेगा और एक ये एंगल बनेगा। ठीक है, तो दो एंगल निकालने हैं, तो पहले हम छोटा वाला एंगल निकाल लेते हैं, इस वाले एंगल को। देखिए अब हम लोग इसको ट्रिक से कैसे करते हैं, ट्रिक में क्या है कि हमें अब ये आवर एंड और मिनट एंड निकालने की जरूरत ही नहीं हमें ये चीज़ हमें, लेकिन हाँ ये याद करना है कि 1 hour = 30 degree होता है। ठीक है, और हमारा जो आवर एंड होता है वो कितना कवर करता है मिनट एंड पर, 1 minute पे 1/2 degree कवर करता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसी पे काम करते हैं। देखिए मान के चलिए पहले हम लोग आवर एंड निकालते हैं। ठीक है, देखिए इसमें दोनों चीज़ें चलेंगी, देखिए अब पहले हम लोग आवर एंड को निकाल लेते हैं। ठीक है, अब देखिए आवर एंड मेरा यहाँ पर है, देखिए निकालिए, देखिए अब मेरा ये आवर एंड है, अब देखिए ये 12 से यहाँ से स्टार्ट किया होगा और ये यहाँ पर यहाँ तक आया होगा। ठीक है, तो मतलब अगर आप ये एंगल मान लीजिए तो ये एंगल ही कवर करना है, 12 से अगर हम लोग यहीं से एंगल निकालना स्टार्ट करते हैं, यही एंगल पूरा घूम के 360 डिग्री में होता है, तो देखिए ये एंगल हमें पहले निकालना है। अब अगर हमने ये एंगल निकाल लिया तो हम दूसरा एंगल भी मिनट एंड भी निकाल सकते हैं। अब देखिए ये एंगल निकालना है तो मैंने कहा कि अभी देखो मैंने आपको बता रहा था कि आप देखिए ये वाला एंगल अगर हम लोग निकाल लें 3 PM वाला, ये एंगल मेरा देखिए कितना होता है 90 डिग्री होता है, और मुझे पता है 1 hour में यानी 1 hour = इंडिया कितना बनता है 5 minutes, तो वो 30 डिग्री और कवर करता होगा। ठीक है, तो अब अगर ये 4 पे अगर मैं मान के चलूँ तो ये डिग्री मेरा कितना हो गया 120 डिग्री हो गया। अब 40 मिनट चलने पर कितना डिग्री हुआ, तो अब देखिए 40 मिनट मुझे पता है कि 1 मिनट बराबर चलने पर कितना डिग्री चलता है 1/2 डिग्री चलता है, तो 40 मिनट चलने पर कितना चला होगा 20 डिग्री और चला होगा,
तो मेरा 120 और प्लस 20 कितना हो गया यहां पर, तो मेरा ये कवर मुझे पता चल गया कि ये मेरा कितना है 140 डिग्री। अब देखिए यहां पर 140 डिग्री हो गया, अब हमें मिनट हैंड का निकालना है, तो मिनट हैंड देखिए कितना आराम से निकलता है कि मिनट हैंड आपको बहुत सिंपल है कि मिनट हैंड निकालने के लिए बहुत सिंपल चीज़ है। अभी मैंने आपको ये चीज़ मैं बता रहा था कि ये देखिए ये मेरा एंगल क्या होता है 180 डिग्री होता है। अब देखिए ये आवर में 180 डिग्री हो गया, अब अगर मैं इस एंगल को यहाँ से हटा दूँ और ये एंगल निकालूँ तो ये एंगल मेरा कितना हो जाएगा 270 डिग्री हो जाएगा। 270 डिग्री होगा कि नहीं होगा भाई, ये 90 90 90 तीन भागों में बट गया, ये एंगल मेरा कितना है 270 डिग्री है। अब देखिए 40 तक है, तो यानी अगर मैं ये बात कर रहा हूँ इस वाले एंगल की, तो ये एंगल मुझे पता है कि ये कितने एंगल का होता है 30 डिग्री का होता है, तो मैं अगर 270 में से इसको क्या कर दूँ माइनस कर दूँ, तो मेरा 270 में से अगर मैं माइनस करने पर, मान लीजिए 270 से माइनस किया, तो मेरा जो एंगल बनना चाहिए वो इस पर यहाँ से यहाँ तक का मिनट एंड का वो एंगल कितना हो जाना चाहिए 240 डिग्री का, क्योंकि मैंने 30 उसमें माइनस कर दिए। मुझे ये पता था कि ये 270 के डिग्री का होता है, तो इसमें 30 माइनस करके मेरा कितना हो गया 240 डिग्री हो गया। फिर वही वाली बात आ गई, मैंने कहा मुझे छोटा एंगल निकालना है, तो 240 में से इसको क्या कर दीजिए 140 को माइनस कर दीजिए, तो 240 में से 140 को माइनस किया तो मेरा कितना एंगल आ जाएगा। तो अब ये जो एंगल आया 240 में से 140 को माइनस करने पर ये जो एंगल आ गया वो कितना आ गया 100, मेरा कितना डिग्री हो गया 100। देखिए बिना किसी हमने मैथमेटिकल वे से इसको सॉल्व किया तो मेरा कितना हो गया 100 डिग्री हो गया, ठीक है। अच्छा आप तो एक तो ये कवर कर सकते हैं, बहुत सिंपल है कि हमने यहाँ से 100 डिग्री निकाल दिया, ठीक है। अब हमने कहा कि अगर आपको मैंने कहा ये वाला पूरा एंगल निकालना हो तो वो आप क्या करेंगे 360 से इसको माइनस कर देंगे, और 360 से इसको माइनस करेंगे तो ये पूरा डिग्री कितना हो जाएगा, तो ये दो एंगल हो गए, एक मेरा 100 डिग्री एंगल होगा और मेरा एक कौन सा होगा 260 डिग्री। अच्छा आपके ऑप्शन में अगर कुछ इस प्रकार से लिखा हो कि अगर 100 डिग्री दे रखा है तो ऑप्शन 100 डिग्री, अगर दूसरे में अगर आपका ऑप्शन 260 डिग्री भी दे रखा है देन ऑप्शन में आप 260 डिग्री। अब देखिए 100 है और 260 दोनों आपके एंगल हैं, देन आपका तीसरा ऑप्शन ये जरूर दे रखा होगा कि फर्स्ट एंड सेकेंड बोथ द आंसर्स, सेकेंड एंड बोथ, देन ऑप्शन इज फर्स्ट एंड सेकेंड बोथ, ठीक है। चलिए ये चीज़ आपको बहुत सिंपल है, देखिए हम लोग बहुत जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा एक और भी इसको करने का तरीका और भी है, हम लोग एक और ट्रिक भी लगा सकते हैं यहाँ पर। देखिए ट्रिक में हम लोग देखिए एक बहुत सिंपल सा ट्रिक है, ज़रूरी नहीं हम लोग उस चीज़ में वहाँ पर निकालने जाएं। देखिए मैंने अभी आपको बताया 440 पे, 440 देखिए हम लोग पहली बात तो मिनट हैंड निकाल लेते हैं, सिर्फ हम लोग क्या निकालें मिनट हैंड। अब देखिए इस 4, अब देखिए 4 और 40, ठीक है 4 और 40 के बीच में आप ये देखिए कितने मिनट का गैप हो रहा है। देखिए 4 से पहले आप एग्जैक्ट निकालिए 4 1 2 3 4, 20 मिनट्स का है, सिंपल। अगर आपको ये पता है कि 1 मिनट बराबर मेरा कितना चलता है 6 डिग्री, तो 20 मिनट्स में कितना चलना चाहिए 6 × 20 = 120 डिग्री, यही चलना चाहिए। बस हमें कवर क्या करना था कि ये जो मेरा आवर एंड है इस 40 मिनट पे चलने पर कितना मिनट चला, बस सिंपल। अब इस 40 मिनट चलने पर ये कितना चला, 40 मिनट चलने पर मुझे पता है कि कितना मिनट चलेगा, 1 मिनट चलने पर हाफ डिग्री चलता है, तो 40 मिनट चलने पर कितना चलेगा 20 डिग्री, तो बस आप इसमें से इस 20 डिग्री को माइनस कर दीजिए, देन आंसर इज 100 डिग्री, देन ऑप्शन इज 100 डिग्री। तुरंत हम इस तरह से बिल्कुल एकदम से 100 बहुत जल्दी इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं। अब ये 100 पता चल गया, देन 360 से माइनस कीजिए, ऑप्शन इज 260 डिग्री।